हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप अच्छे होंगे, घर पे होंगे, बिल्कुल सुरक्षित होंगे। आज का जो वीडियो लेक्चर है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है और इसमें अपन स्टार्ट करने जा रहे हैं एक नया टॉपिक जिसका नाम है एनिमल टिश्यूज। तो ध्यान से देखिएगा पूरे वीडियो को। एनिमल टिश्यूज, अब देखिए ये वाला जो टॉपिक है वो आपको मिलेगा कहाँ पे, तो आपके 11th की जो एनसीईआरटी है उस 11th की बायो की एनसीईआरटी में एक चैप्टर है स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स। स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स के नाम से एक चैप्टर है और इस चैप्टर में आपके नीट के सिलेबस के अकॉर्डिंग एक तो एनिमल टिश्यू है और दूसरा यहाँ पर क्या है, कॉकरोच है, जो अपने को पढ़ना है विथ रिस्पेक्ट टू नीट। इसके अलावा अर्थवॉर्म और फ्रॉग को भी इस चैप्टर में यहाँ पर रखा गया है, पर नीट के सिलेबस में अर्थवॉर्म और फ्रॉग जो है वो नहीं है अब तक। कौन से ईयर की बात कर रहे हैं? अभी ये जो वीडियो बन रहा है वो 2020 में बन रहा है, यानी 2021 का जो नीट आएगा उसके अंदर भी आपके यही टॉपिक रहने वाले हैं, एनिमल एंड कॉकरोच इस चैप्टर के अंदर। तो ध्यान से देखिएगा, एनिमल टिश्यूज़ की अपन बात करते हैं तो नीट के हिसाब से कितना इम्पोर्टेंट है नीट में, इसमें से आते हैं 1, 2, 3 क्वेश्चन इस कंप्लीट चैप्टर से जिसका नाम है स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन एनिमल। इससे 1, 2, 3 क्वेश्चन आते हैं, यानी आपके 4 to 12 मार्क्स का ये वाला कंप्लीट चैप्टर हो जाता है, जिसमें से टोटल जो क्वेश्चंस आपके आए हैं उसमें से 1 to 2 क्वेश्चन जो है वो आपके पूछे जाते हैं किसमें से, एनिमल टिश्यूज से। और कंफर्म है कि जो 1 क्वेश्चन आता है वो आपके आता है कॉकरोच से, ठीक है, कॉकरोच से कि क्वेश्चन आने के चांसेस रहते हैं। बात क्लियर है इतनी। अब अपन बात करते हैं टिश्यूज़ की, टिश्यू होता क्या है, ठीक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं टिश्यूज़ को। टिश्यू का मतलब यहाँ पर हो गया ग्रुप ऑफ सेल्स। अब ये जो ग्रुप है वो किस टाइप की सेल्स का है, तो इसके बारे में कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें ध्यान रखिए। यहाँ पर जितने भी सेल है इस ग्रुप में वो ओरिजिन में क्या होनी चाहिए, ओरिजिन में सेम होनी चाहिए, ठीक है। यानी ये ग्रुप ऑफ सेल है और उसमें जितने भी सेल है वो सिमिलर है किस में, ओरिजिन में, तब उस ग्रुप को अपन क्या बोलेंगे, टिश्यू बोलेंगे। ये वाली प्रॉपर्टी जो है वो ऑलवेज प्रेजेंट होनी चाहिए, हमेशा ये वाली प्रॉपर्टी प्रेजेंट होनी चाहिए। बात क्लियर है। सेकंड अपन बात करें यहाँ पर, तो स्ट्रक्चर जो है किसका, सेल्स का, और फंक्शन की अपन बात करें तो वो सेम भी हो सकता है और डिफरेंट भी हो सकता है, ठीक है। पर मिनिमम जो रिक्वायरमेंट है वो क्या कि ओरिजिन जो है वो ऑलवेज क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। अब यहाँ पर ओरिजिन का मतलब क्या है, तो देखिए जब अपना डेवलपमेंट होता है बॉडी का तो वहाँ पर क्या होता है, जैसे एक गेमिट स्पर्म जो कि मेल गेमिट है, फीमेल गेमिट है ओवा, इनका फ्यूजन होता है, क्या बनेगा, फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस होगी, फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस होगी, और फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस से यहाँ पर क्या बनेगा, जाइगोट बनेगा, जाइगोट से बनेगा क्या, मोरुला, मोरुला से बनेगा क्या, ब्लास्टुला, ब्लास्टुला से बनेगा आपके गेस्टुला। अब ये वाली जो स्टेज होती है यहाँ पर 3 जर्म लेयर का फॉर्मेशन होता है, यानी गैस्ट्रुला स्टेज में आपके 3 जर्म लेयर बनती है। कौन कौन सी, एक तो बनती है एक्टोडर्म, एक्टोडर्म, एक बनती है मेसोडर्म और एक बनती है कौन सी, एंडोडर्म। तो ये 3 जर्म लेयर का फॉर्मेशन होता है एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के दौरान। अब ध्यान से देखिए
कि इन तीनों जर्म लेयर से ही अपनी पूरी बॉडी के जो टिश्यूज़ है, ऑर्गन्स है, सिस्टम्स है, उनका फॉर्मेशन होता है। अब यहाँ पर टिश्यू की अपन बात करते हैं तो टिश्यू में जो यहाँ पर सेल्स हैं उनकी अपन बात करें तो वो सारी की सारी ओरिजिन में सेम होनी चाहिए। इसका मतलब ये हो गया कि टिश्यू में जितनी भी सेल है वो या तो एक्टोडर्मल होनी चाहिए ओरिजिन में, या फिर सारी की सारी मेसोडर्मल, या फिर सारी की सारी एंडोडर्मल होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि एक एक्टोडर्म से आ रही है, कुछ मेसोडर्म से आ रही है, कुछ एंडोडर्म से आती है, उस ग्रुप को अपन यहाँ पर टिश्यू नहीं बोलेंगे। ग्रुप ऑफ सेल जिनका ओरिजिन सेम हो उसको अपन क्या बोलेंगे, टिश्यू बोलेंगे। तो मेरे हिसाब से ये बेसिक चीज़ जो है आपको समझ में यहाँ पर आ गई होगी। उसके बाद एक चीज़ देखिए, टिश्यू की जो स्टडी है उसको अपन बोलते हैं क्या, हिस्टोलॉजी। हिस्टो टर्म जहाँ पे भी आ जाए ध्यान रखना, हिस्टो का मतलब हो गया टिश्यू से, ठीक है, और लॉजी जो टर्म बना है वो बना है लोगोस से, लोगोस का मतलब होता है स्टडी, ठीक है। तो ये चीज़ आप ध्यान रखिए। अब चलिए आगे चलते हैं, कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ है, डाटा है जिसके बारे में अपन बात कर लें। यहाँ पर अपन बात कर रहे थे किसकी, हिस्टोलॉजी की। हिस्टोलॉजी का मतलब क्या हो गया, स्टडी ऑफ टिश्यू, ठीक है। हिस्टोलॉजी जो टर्म है ये वाला टर्म दिया था किसने, मेयर ने। मेयर नाम के एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने ये वाला टर्म दिया था। और हिस्टोलॉजी का जो फादर है वो अपन बोलते हैं किसको, बाइचेट को, ठीक है, किसको बोलेंगे, बाइचेट को हिस्टोलॉजी का फादर अपन बोलते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर एक चीज़ ध्यान रखिएगा, टिश्यूज़ की अपन बात करें तो टिश्यूज़ की जो डीप स्टडी होती है, डीप स्टडी होती है उसको अपन क्या बोलते हैं, इट इज़ कॉल्ड माइक्रोस्कोपिक एनाटोमी। एनाटोमी का मतलब इंटरनल स्ट्रक्चर अपनी बॉडी की, माइक्रोस्कोपिक का मतलब माइक्रोस्कोप में उसको स्टडी किया जाता है, किसी भी टिश्यू को लेके उसकी जो सेल्स है उनके बीच में देखा जाता है कि कैसे कम्युनिकेशन हो रहा है। तो यहाँ पर एक टिश्यूज़ जो है उसको माइक्रोस्कोप में लेकर स्टडी करते हैं, तो वो वाली स्टडी को अपन क्या बोल देंगे, माइक्रोस्कोपिक एनाटोमी बोल देंगे। और माइक्रोस्कोपिक एनाटोमी जो है उसका फादर अपन बोलते हैं किसको, मार्सिलो मेलपेगी। काफ़ी जगह इसका नाम आपने सुना होगा, मेलपेगी। तो मार्सिलो मेलपेगी जो है उसको अपन क्या बोलते हैं, फादर ऑफ माइक्रोस्कोपिक एनाटॉमी। ये कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन यहाँ पे थी। यहाँ पर आप ध्यान रखिए, हिस्टोलॉजी के बारे में सीधा का सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है किसकी स्टडी को बोलते हैं, टिश्यू की स्टडी को। क्लियर है इतनी बात। चलिए आगे अपन बात करते हैं टाइप्स ऑफ टिश्यूज़ की। अब देखते हैं अपन किसको, टाइप्स ऑफ टिश्यूज़ की अपन बात करें तो ये अपन बात करेंगे ह्यूमन बॉडी के केस में। ह्यूमन बॉडी के केस में जो है आपके फोर टाइप के टिश्यूज़ देखने को मिलते हैं। एक तो बनता है एपिथेलियल टिश्यू, कौन सा होता है, एपिथेलियल टिश्यू। दूसरा आपके पास होता है कौन सा, कनेक्टिव टिश्यू। एक आपके पास होता है कौन सा, मस्कुलर टिश्यू। और इसके अलावा आपके पास होता है कौन सा, नर्वस टिश्यू। ये चार टाइप के टिश्यू ह्यूमन बॉडी में प्रेजेंट होते हैं। अब किस तरीके से इनमें डिफरेंस है, कौन सा टिश्यू कहाँ पर प्रेजेंट होता है, उन सब के बारे में अपन बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। सबसे पहले अपन स्टडी करेंगे एपिथेलियल टिश्यू का, उसके बाद कनेक्टिव टिश्यू को, उसके बाद मस्कुलर टिश्यू और फाइनली नर्वस टिश्यू की बात करने वाले हैं। तो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आगे आने वाली है, नेक्स्ट वीडियो भी आप ज़रूर देखें।